वजह भी है, उसकी वजह यह है कि तो देखे मुझे भी साइड की ग्रीन रंग का नया सूट सिलवाया कि जी पाकिस्तान का आज मैच है तो हम ग्रीन कलर पहन के जाएंगे, लेकिन कोई नहीं पार्ट ऑफ द गेम। हफीज भाई आपसे आगाज करते हैं जी, चैंपियन बनने के लिए क्या जरूरी है? देखिए प्री मैच में भी हमने बोला था कि द चैंपियंस आर नेवर स्मूथ सेलर्स, उन्होंने हार्डशिप करनी है, वो कभी इन छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के ऊपर जो है जिंदगी नहीं गुजारते। साबित किया श्रीलंका ने दैट दे आर द रियल चैंपियंस। पाकिस्तान एक वन साइडेड मुकाबले में किस तरह से बाहर हुआ, किस तरह से श्रीलंका ने पाकिस्तान को धूल चटाई, अब भारत के अंदर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। यानी आप लोग रोना बंद कीजिए। मैंने देखा किस तरीके से श्रीलंका मैच जीत चुका है, और श्रीलंका एक ऐसी टीम जिसे अभी नेक्स्ट मंथ जो वर्ल्ड कप होना है उसमें क्वालिफायर खेलना है, और वो एशिया कप का फाइनल जीत चुका है। हालांकि जिस तरीके से श्रीलंका ने सुपर फोर में जो अपना आने से पहले बांग्लादेश को बाहर किया था, उस मैच से मुझे लगा था कि यार ये टीम किसी को भी हरा सकती है, और उसने वही किया। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों को हराया और वो फाइनल जीत चुकी है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं पाकिस्तान का, फिर इसके बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर हम बात करते हैं कि जी मैच जो है वो बड़ा वन साइडेड मैच था, जैसे मैंने पहले कहा था कि वन साइडेड लगेगा, तो इनिशियली वो वन साइडेड पाकिस्तान की तरफ से लग रहा था। But imagine Raja Paksa coming in, you know, their players coming down, making sure that they're going to have that partnership, which was really crucial and pivotal at that time, made it to 170, no matter what happens. What did Pakistan do? Imagine, अगर हम रिजवान की बात करते हैं तो 55-49, क्या ये इंटेंट है मुझे बताएं? अगर आप शुरू के ओवर्स में 6-7 और 8 की एवरेज के साथ खेलेंगे तो बाद में आने वाले खिलाड़ियों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 की एवरेज के ऊपर वो स्कोर बना सकेंगे? ये कौन सा इंटेंट था, ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट थी? और अगर हम पूरे एशिया कप में पीछे तफसील से भी देखते हैं तो मैचेस हम इसी तरह जीते हैं। आपके सामने मैच समरी रखता हूं, इससे पहले अपने मौजूद मेहमानों की तरफ बढ़ूं। Banuka Rajapaksa, obviously, you know, what a wonderful innings, made sure that he's going to do it for his country and for his team. 71 not out on 45 deliveries. Hasaranga, 36 of 21. De Silva, 28 of 21. I mean, यहाँ पे intent नजर आता है। आप bowlers की उनके बात करते हैं, just look at that. Madhushan, 4 for 34, 3 for 27, Hasaranga, 2 for 33. And, I'm just a little short of words, and it's because that this is not the kind of performance champions deliver. This is not the kind of performance champions see through it. और यहाँ पे हमारे मौजूद मेहमानों ने बड़ी दफा कहा था कि यार अगर आपको गर्मी में गर्मी लगे, सर्दी में सर्दी लगे, so that's not a champion side. Toss जीतने के बाद भी क्या हुआ, जो चैंपियन थे उन्होंने आज साबित किया कि हम चैंपियन हैं। हम क्यों नहीं हैदर अली को मौका दिया हमने? अगर हमने आज ही इफ्तिखार से बॉलिंग करानी थी, हम हैदर अली को भी मौका दे सकते थे। फखर जमान का क्या इंटेंट है? फखर जमान की पिछली कितनी इनिंग्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि यार वो पाकिस्तान को सिंगल हैंडली मैच जितवा सकते हैं? आसिफ अली की बात करें, आप खुश दिल की बात करें, आई रियली फील सॉरी फॉर पाकिस्तान साइड। मैं जरा मजीद थोड़ा और तवील नहीं करना चाहता, अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूँ, इन्हीं से बात करेंगे। यही बताएं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके हवाले से हमने गुफ्तगू की, पूरे एशिया कप में बताते चले गए, और लगा कहीं ना कहीं उम्मीद थी हमारे दिल में कि नहीं यार पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन जिस किस्म का खेल आज हमने खेला है वो खेलते हुए भी नहीं लग रहा था कि ये मैच जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। खवातीन आजाद मेरे साथ, फोर फॉर्मर स्किपर्स ओवर हियर इनसाइड द स्टूडियोज विद मी, ऑब्वियसली विकेट कीपर बेटर मिस्टर मुईन खान। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अलोंगसाइड हिम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी लकी फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम मिस सारा मीर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जाने खवातीन आजाद मेरे साथ मौजूद है, विकेट कीपर बेटर फॉर्मर कैप्टन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ही इज मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम राशिद। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। माधर दिया, मिठाई नहीं ला पाया आज। कोई मसला नहीं सर, असल में मिठाई वालों ने भी दुकान बंद कर दी होगी मैच देख। नहीं, मैं तो श्रीलंका की तरफ से। अच्छा, श्रीलंका की तरफ से थे, फिर कोई लड्डू वड्डू चल जाते, लेकिन चले कोई मसला नहीं है। और जो कहते रहे कि भाई जो मैन ऑफ द मैच है वो टॉस होगा, उनकी तरफ बढ़ते हैं फॉर्मर्स के पर, वो पाकिस्तान की टीम मिस्टर मोहम्मद हफीज। अब सबसे पहले
मैं मोइन भाई से शुरू करता हूँ। मोइन भाई वैसे चले बंदा हार भी जाता है यार, वो बहुत बेताब है। नहीं नहीं स्टार्ट इधर से, आज आज इधर से, आज इधर से, इधर से गाल कर लेते हैं। मुश्किल तो मुझे घड़ी की है, उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि एक तो देखे मुझे भी साइड की ग्रीन रंग का नया सूट सिलवाया कि जी पाकिस्तान का आज मैच है तो हम ग्रीन कलर पहन के जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। हफीज भाई आपसे आगाज करते हैं जी, चैंपियन बनने के लिए क्या जरूरी है? देखिए प्री मैच में भी हमने बोला था कि द चैंपियंस आर नेवर स्मूथ सेलर्स, उन्होंने हार्डशिप करनी है, वो कभी इन छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के ऊपर जो है जिंदगी नहीं गुजारते। साबित किया श्रीलंका ने दैट दे आर द रियल चैंपियंस, उन्होंने कभी किसी चीज़ को एक्सक्यूज जो है वो सामने नहीं लेके आए, अपने किसी बयान में स्टेटमेंट में उन्होंने इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया। दे प्लेड लाइक अ चैंपियन और उन्होंने आज साबित किया, और जो मैंने बात की थी मेरा मैन ऑफ द मैच टॉस है, और टॉस ने ये साबित किया कि वो कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मेरा मैन ऑफ द मैच टॉस है। और मैंने पहले बात की थी कि मैंने इस खूबसूरत गेम से जो सीखा है वो यही सीखा है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आप अपने स्किल्स पे बिलीव करेंगे तो आप चैंपियन बन सकते हैं। आप अचीवर्स तब बनते हैं जब आप इन चीजों को मिनिमाइज करके अपने स्किल्स पे काम करते हैं। जी बिल्कुल है। तो देखिए मैंने पहले बात की थी कि बैटिंग फर्स्ट शुड विन द मैच, और वो यही मकसद ये था कि जब तक आप मुश्किल हालात से नहीं गुजरेंगे आप चैंपियन नहीं बन सकते। तो ऑल क्रेडिट टू श्रीलंका, ऑल क्रेडिट टू भानुका, ऑल क्रेडिट टू शनाका, जिस तरीके से 50-5 मोस्ट इनक्रेडिबल कमबैक हमने T20 क्रिकेट में देखा है कि जैसे उन्होंने 50-5 होने के बाद जो मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक क्रिकेट खेली। और मैंने बात की थी कि मॉडर्न क्रिकेट की जब हम बात करते हैं ये कोई लफ्ज नहीं है, इट्स अ वे ऑफ प्लेइंग एंड दैट इज ऑल अबाउट इंटेंट, दैट इज ऑल अबाउट कीप गोइंग। ये नहीं हो सकता कि जी आपसे नहीं हुआ तो मैं रुक जाऊं, आपने उसी तरीके से खेलना है। एक्सक्यूज मी, और आपने देखा कि 50-5 आउट होने के बावजूद दे केप्ट ऑन पुशिंग हार्ड ऑन अ बॉलर्स, और उन्होंने अपने आप को उस जोन में लेके आए जहां पे उन्होंने 170 किया। वंस 170 वाज देयर, टफ फॉर द पाकिस्तान। सर हफीज भाई देखें एक बात माननी पड़ेगी, हम अपनी टीम के खेलने की बात करें तो माशाल्लाह हमारी फीलिंग्स के साथ तो वो खेल गए हैं। अब मैं जरा एक और चीज पे आना चाहता हूँ जहां पे बाबर आजम ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हमारी बैटिंग भी अच्छी नहीं थी, हमारी फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी, पीछे रह गया जाता, बॉलिंग ही रह जाता, उससे तो नहीं आप मैच जीत सकते। राशिद भाई आपसे पूछता हूं मैं, कप्तान खुद खड़ा होकर कह रहा है, सबसे पहले तो मैं कप्तानी के ऊपर भी सवाल करना चाहता हूँ, कप्तान की फॉर्म के ऊपर भी सवाल करना चाहता हूँ। कप्तान को छोड़ दें, श्रीलंका कितना अच्छा खेला उस पर बात करें, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद आगे कप्तान बहुत टाइम है हमारे पास। 5 आउट जैसे हफीज ने कहा 5 आउट हो गए थे 58/5, और उसके बाद ऐसे ही लग रहा था कि 140-130 तक एक टारगेट था, लेकिन एक प्लेयर जो था जो अच्छी फॉर्म में था राजा पद से वो खड़े हुए थे, खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह से हसारंगा ने आके उनके ऊपर से प्रेशर रिमूव कराया है जो कि इफ्तिखार या किसी और प्लेयर को हमारे टॉप ऑर्डर जो खेल रहा है उसकी तरफ से रिमूव करना था वो नहीं हो सका। उन्होंने आते ही साथ अगर मैं देखूंगा कि इन्होंने 1-6 ओवर तक 42 रन बनाए थे और 7 किए, फिर 7-10 ओवर तक 25 रन बनाए, 2 विकेट और गिरे, 5 आउट हो गए थे, लेकिन 11-15 50 बनाए, 10 किए अभी से, फिर 16-20 तक फिर 58 बनाए इन्होंने, 10.60 किए उससे। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके आउट होने के बावजूद 11वें ओवर में 10 रन, 13वें ओवर में 14 रन, 15वें ओवर में 11 रन, 17वें ओवर में 16 रन, 18वें में 11 और 20वें में 15। तो इनका बिल्कुल जीतने के लिए ही जिस तरह से खेला जाता है, हमने चेजिंग के वक्त ये आपको इस रिकॉर्ड बताया था, इन्होंने उस वक्त नहीं 10 रन बनाए जब इनकी विकेट गिरी हुई थी, लेकिन जैसे हसारंगा आया उसने गेम अपने हाथ में लिया, जब वो खेलना शुरू हुआ तो सामने से राजापक्षे ने शुरू किया तो एक बिल्डअप शुरू हो गया था कि रन ज्यादा बन सकते हैं। हमारी गलती ये हुई, बिगेस्ट मिस्टेक, जब 5 आउट कर दिए ना तो मैं अगर होता मैं हारिस रोव को 4-4 ओवर ऑन द ट्रॉट करा देता, आउट करवा देता, कोशिश करता कि 6-7 गिरता तो गेम हमारे हक में आ जाती, लेकिन वहां पे आपने पार्ट टाइम बॉलर को लगा के सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि आपका जो मेन बॉलर था फिंगर स्पिनर, अगर देखें कि मैच अप की बात नहीं हो रही, फिंगर स्पिनर नवाज, जिसने सब किसी को नहीं खेलने दिया यहाँ पे, उनको आप 1 ओवर के लिए लेके आते हैं, खैर ये बात मैं उनको भी नहीं लेके आता, बॉलिंग करवानी थी तेज बॉलर से, आउट करवाना था, हमने आउट नहीं किया, और जो टाइम निकल गया ना जब 8वें ओवर से आप 15वें ओवर में चले गए,
तो 7 ओवर विकेट नहीं गिरी और रिक्वायर्ड उनके जो रन रेट है वो 7-8 से ऊपर चला गया। एक वक्त में वो आए कि 6 पॉइंट कुछ क्या होगा, और हम जब चेस करने गए हमें जो चाहिए था 8.55 से स्टार्ट था, ठीक है, तीसरे ओवर में 8.88 क्या वजह थे, फिर उसके बाद चौथे ओवर में 9.18 चाहिए, फिर छठे ओवर में 9.6 चाहिए, नौवें ओवर में 9.81 चाहिए, ग्यारहवें में 10.77 चाहिए, तेरहवें में 11, चौदहवें में 12 हो गया, पंद्रहवें में 14 हो गया, तो नहीं होता चेज ऐसे। तो इस वक्त खेल रहे थे इफ्तिखार और रिजवान दोनों खेल रहे थे, बाकी दोनों को भी मौका दूंगा। चार ओवर में सिर्फ 4 ओवर में पाकिस्तान ने या 10 बनाए या 14 बनाए या 19, एक ओवर में 19, एक में 14, बाकी दो में 10, बाकी सब में 4, 5, 7, 6। 19 वाला आखिरी ओवर है, वो काउंट नहीं करें। वो काउंट तो वैसे अब कोई भी ओवर नहीं होता इसमें, लेकिन मैं मुइन भाई आपकी तरफ आता हूँ। इन्होंने ऑब्वियसली श्रीलंका की बात की, उन्होंने बहुत खूबसूरती से खेला। पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने अल्फाज में जरूर समअप करें, फिर मैं जरा बाबर की कप्तानी पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा माइंडसेट था सर, जब अर्ली ऑन आप विकेट्स ले पा रहे थे ना, आप स्लिप्स ले रहे थे ना, आपने कोशिश की यार हम मजीद इनकी विकेट्स और गेन कर सकें, किधर जा रहे थे हम? आई थिंक सबसे पहले श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली, श्रीलंका 8.5 ओवर्स में 5 विकेटें डाउन होने के बावजूद जिस तरह राइज किया और राजापक्षे ने एक सीनियर प्रो होने का सबूत दिया, आई थिंक दैट वाज कमेंडेबल परफॉर्मेंस, ठीक है, और मुबारकबाद भी देनी चाहिए, श्रीलंका अच्छा खेली। और हमसे जो गलतियां वो यही गलतियां हुई कि वहां पे जैसे भी राशिद ने भी आइडेंटिफाई किया, सफीज ने भी आइडेंटिफाई किया, आप पार्ट टाइम बॉलर ले आते, आपको विकेट मिल गई थी उससे भी, तो वहां एक ओवर कराना चाहिए था, अच्छा करा भी लिया था, फिर स्लिप नहीं रखी उसके ऊपर। वहां पे जैसे राशिद ने बोला कि मैं अपने मेन स्ट्राइक बॉलर से मुझे करानी चाहिए थी बॉल, एज अ कैप्टन कॉमन सेंस यही बोलती है। आई डोंट नो मैच को क्यों लंबा लेके जा रहे थे, वो मेरा ख्याल है आखिर के ओवरों का सोचना शुरू हो गए थे, तो वहीं से जब आप नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है तो आप प्लान नहीं कर सकते कभी भी, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आप फुल अटैक के ऊपर जाते हैं, तो वहां ये गलती बहुत बड़ी हुई है कि हमने एक तो अटैकिंग फील्ड ले ली, अपने मेन बॉलर से बॉलिंग नहीं करवाई और गेम श्रीलंका के हाथ में दे दिया और उसको पूरा कैपिटलाइज किया उन्होंने वहां पे। आप देखें आखिरी दो जो विकेटें खेली हैं, एक में 52 रन की पार्टनरशिप हुई है उसकी, और आखिरी विकेट की 54 रन की पार्टनरशिप हुई है, यू नो यू कांट एक्सपेक्ट 31 बॉलों में, हाँ 31 बॉलों में, इतनी कम बॉलों के ऊपर, तो इट मींस कि आपने गंदी बॉलिंग भी की है और आपने बॉलिंग चेंज जो थी वो भी गंदी की। और सोने पे सुहागा जो मैंने पहले भी बात की थी, हम सभी हमेशा इस चीज को बहुत रखते हैं एज ए कैप्टन जैन के अंदर, कि आपकी फील्डिंग उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपका एग्रेसिव अप्रोच का पता तक लगता है, आपके इंटेंट का पता लगता है, तो वो कहीं नजर ही नहीं आई। वो फिर एक दफा फिर वही गलतियां हमसे हुई हैं, हम बॉल हवा में जा रही है तो कॉल नहीं कर रहे और मिस जज कर रहे हैं, यू नो प्रेशर होता है, जरूर होता है, लेकिन आपको प्रेशर में खेलना पड़ता है मैच जीतने के लिए अगर आपकी इंटेंट होती है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी किया हुआ था और इसमें ये कि मिस जज किए, थोड़ा सा आगे आ गए थे, हालांकि पीछे से भागते हुए आ रहे थे और बॉल से आगे निकल गए, और इसमें भी यही हुआ कि आप देखें कि कोई कॉल नहीं हुई। ये सर ये पहली दफा नहीं हो रहा, बिल्कुल ये टेंशन मैच में तो होता है ना, जब आपको देखें आपकी पिटाई होने लगती है तो वही तो प्रेशर का पता लगता है कि आप कितना स्टेबल होते हैं उस प्रेशर के अंदर, कितना काम रखते हैं अपने आप को। आई थिंक ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि एक बड़ा इजी कैच था आसिफ के लिए, यहाँ भी कॉलिंग नहीं हुई और शादाब रीज में कूद पड़े और कैच निकल गया, और यही वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुई। वरना मैंने मैच से पहले बोला था कि मैक्सिमम 150 होगा तो पाकिस्तान जीतेगा, यू नो, तो हमने 58 for 5 के बाद हमने इतना बड़ा स्कोर कराने का मतलब ये है कि आप मैच दे चुके। और फिर अगेन जिस वक्त स्टार्ट हुआ विदाउट बॉल खेले, 10 रन तो आपको मिल गए थे, बिल्कुल, यू नो, उसके बाद जो बैटिंग डिस्प्ले हुआ है, शॉट्स आपका बल्ला नहीं उठा, इंटेंट कहीं भी नजर नहीं आया कि कहीं जीतने का। मुझे ऐसा लग रहा था शायद ड्रेसिंग रूम से यही बात आ रही है, मैसेज यही आ रहा है लंबा लेके चलो, लंबा लेके चलो, विकेट इन हैंड होगी तो हम जीत जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट गेटिंग मोमेंटम, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा आप नहीं जीत सकते, नो मैटर वॉट आपकी विकेटें गिर रही हो, लेकिन अगर 10 रन नहीं बन रहे, एवरेज अगर आपको चाहिए 8, 9, 10 रन का, तो आप कैसे एट द एंड अपने जितने मर्जी टॉप क्लास बैट्समैन हो, बिल्कुल 14 रन का एवरेज आ गया, 15 रन का फिर एवरेज, 20 रन का भी एवरेज आ गया, प्रेशर बनाते कैसे ये डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, ही वाज आउट ऑन दिस तो हर एक अपना स्टाइल है,
लेकिन ये एक रन लेने के लिए नहीं जा रहे, खड़े हुए वहीं पर ना, देखा एक रन तो बनता है यार। डॉट बॉल, डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए, डॉट बॉल लेस होनी चाहिए, जितनी लेस डॉट बॉल्स होंगी उतना प्रेशर आप पे कम। ये डॉट बॉल खेल रहे हैं तो ये आप अपने ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं, और इससे इंटेंट जाहिर होता है कि आपका इंटेंट ही रन लेने का, मार के आउट नहीं, अपना इंटेंट है नहीं और फिर दूसरे से एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। मैं सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं, सना रिजवान का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में एक जबरदस्त तरीके से खेला और मैं चाहता था यार कि फाइनल में श्रीलंका जीते। अगर भारत नहीं जीत रहा तो मेरी सेकंड फेवरेट थी श्रीलंका, थर्ड फेवरेट थी अफगानिस्तान, फोर्थ थी ऑब्वियसली बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान थी, हांगकांग तो रेस में थी नहीं। तो आप समझ सकते हो श्रीलंका जिस तरीके से होस्ट नेशन है और जिस तरीके से कंट्री अभी गुजर रही है, जिस तरीके के माहौल से, पाकिस्तान भी बहुत, मतलब पाकिस्तान के भी माहौल ख़राब है। पाकिस्तान ऑन पेपर तो बहुत मजबूत टीम थी, लेकिन श्रीलंका के क्रिकेटर्स जो इंडिविजुअली जिस फ्लो में खेल रहे थे, आप देख सकते हो कि किस तरीके से हसरंगा वन मैन आर्मी, अभी तो नंबर वन ऑलराउंडर अगर दुनिया में कोई है तो हसरंगा है। एक नंबर का फील्डर, एक नंबर की बैटिंग कर रहा है, एक नंबर बॉलर है, वो कंप्लीट क्रिकेटर है हसरंगा। आरसीबी ने इसको 9 करोड़ में, 9 या 10 करोड़ में खरीदा था, बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर क्रिकेटर है। आप देख सकते हो किस तरीके से आज उसने वन मैन आर्मी की तरह 5 विकेट गिर गए थे 58 रन पे, उसके बाद आके हसरंगा ने पहले मारा, 36 रन बनाए तकरीबन, मुझे एग्जैक्टली 36 या 37 रन बनाए। साथ ही साथ राजापक्षे भी खेल रहा था, राजापक्षे क्या सेंसिबल खेल रहा था, मुझे लगता था कि ये आउट ना हो जाए, लेकिन उसने देखा कि हसरंगा मार रहा है तो वो सेंसिबल खेल रहा है, फिर लास्ट में राजापक्षे ने मार दिया। मतलब यार कैसा काउंटर अटैक किया यार, मतलब सीखना चाहिए ये लोग, क्या गजब का काउंटर अटैक करे हैं। 5 विकेट गिरने के बाद भी 170 तक टारगेट पहुंचाया, उसके बाद श्रीलंका के बॉलर ने पहला ही ओवर इतना घटिया डाला, लगभग 2 या 3 नो बॉल, फिर वाइट, 11 रन शायद 0 बॉल पे बन चुके थे, मतलब टारगेट सीधा 160 हो गया। उसके बाद भी वापसी की, फिर आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया फील्डिंग में और किस तरीके से कैचेस पकड़े। पाकिस्तान का एक कैच तो ऐसा है कि कैच तो ड्रॉप हुआ, बॉल मतलब यहाँ से बाउंस होकर वो सीधा जा रही है बाउंड्री में। शादाब खान और आसिफ अली थे उस कैच में, आप देख सकते हो, उसको लेकर भी काफ़ी मीम्स बनने लगे। तो यार श्रीलंका को सैल्यूट है यार, जिस तरीके से वो, मतलब उनके कोचेस को लेकर भी काफ़ी, आकाश चोपड़ा हिंदी कॉमेंट्री में अगर आप मैच देख रहे हो तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि यार ये क्या कोडिंग यूज़ कर रहा है, 2D 5D 6D, बड़ा ही वो इंग्लैंड का कोच और ज़बरदस्त तरीके से उसने मतलब इस टीम को खड़ा किया। कोच मेरे हिसाब से जो है, कोच बड़ा नाम ना हो लेकिन उसको आइडिया हो कैसे टीम को जिताना है, तो श्रीलंका को भी वो एशिया कप जिता सकता है। बड़े बड़े जाइंट इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन श्रीलंका को कोई भाव नहीं दे रहा था। श्रीलंका से ज़्यादा स्ट्रांग लोग अफगानिस्तान बांग्लादेश को कह रहे थे, लेकिन श्रीलंका एशिया कप जीत गया। टीम परफॉर्मेंस आप देखें, आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें। इस टॉपिक को लेकर मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ।